7 नवंबर की तारीख यानी आज से ठीक 50 साल पहले 1969 में इसी 7 नवंबर की तारीख को भारत के सिने प्रेमियों ने रुपहले पर्दे पर एक दुबले पतले एक्टर की पहली झलक देखी थी। इस तारीख को रिलीज हुई 7 हिंदुस्तानी फिल्म से शुरुआत करने वाले अमिताभ बाद में फिल्म इंडस्ट्री के महानायक साबित हुए। इस मौके पर उनके नायकत्व को आकार देने वाले 5 बड़े निर्देशक दैनिक भास्कर में उनकी इस 5 दशक की जर्नी को पेश कर रहे हैं। महानायक की छवि गढ़ने वाले निर्देशकों ने की भास्कर से बातचीत, उनके जैसा अविस्मरणीय सफर बेहद कम को नसीब होता है। 70 के दशक में तो उनका परचम था, जो भी किरदार उन्हें मिलते रहे उन्हें अपनी अदाकारी की मदद से ऊंचे स्केल पर ले जाते रहे। आनंद, दीवार, शोले, चुपके चुपके, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, डॉन से लेकर न जाने कितनी हिट्स इस दशक में उनकी रही। इस दशक के शुरू में जंजीर से पहले तक तो उनके बारे में यह कहा जाने लगा था कि वह तो प्रोड्यूसर्स के पैसे डुबोएगा, पर जंजीर के बाद जो एक बार उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो मेकर्स को सबसे ज्यादा पैसे उनके चलते ही कमाने को मिले। हालांकि शोले में उनकी कास्टिंग जंजीर और दीवार से पहले हुई थी, यहां तक कि शोले के टाइम उन्होंने फीस तक नहीं डिमांड की थी। हम दोनों का रिश्ता दोस्ती वाला ही रहा, वे कुछ ही साल मुझसे बड़े हैं। हम दोनों ने अपने अपने हिस्से का सफर भी साथ तय किया, वे हर उम्र वालों के साथ उन्हीं के उम्र के बन जाया करते थे। उनकी सफलता में उनकी इस अप्रोच ने भी काफी मदद की है। वे इस 70s के कठिन दौर में अतुलनीय उपलब्धि इसलिए हासिल कर सके कि भाषा की समझ और सही भावार्थ के साथ उसके व्यवहार की कुशलता उनमें थी। स्टारडम को उन्होंने कभी सिर पर नहीं चढ़ने दिया, पांव जमीन पर टिका कर रखे। शोले से पहले उनकी थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग हैबिट थी, पर उसके बाद उन्होंने उसे बहुत कम कर दिया, बाद में तो इसे पूरी तरह छोड़ ही दिया। काम मांगने आए हो तो पैर काट कर आ जाओ। तीनू आनंद, 90 के दौर में मेरा उनसे घनिष्ठ नाता रहा। मैं एक बार उन्हें हमारे समाज के बड़े संत रूपचंद्र महाराज से मिलाने लेकर गया। उन्होंने देखते ही बोला कि यह तो पिछले जन्म का कोई घोर तपस्वी है, अभी तो कुछ नहीं, आगे चलकर इनका गजब भाग्योदय होगा। उनकी बात सुनकर बच्चन साहब बोले, महाराज मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने अपने पूरे कैरियर में 50-60 फिल्में की, पर इंडस्ट्री में 2 ही आदमी ऐसे देखे जो डायरेक्टर के सामने स्टूडेंट की तरह बैठे रहते थे, एक रजनीकांत, दूसरे अमिताभ बच्चन। आज का अर्जुन की शूटिंग पूरी होते ही उन्होंने बोफोर्स केस जीता था। तब मैंने उनसे कहा कि अब तो पिक्चर हिट हो ही जाएगी, और वही हुआ। इसकी शूटिंग के शुरू में ही मैंने बोल दिया कि अमित जी हमारे सेट पर नॉनवेज नहीं आता है। उन्होंने कहा कि बोकाडिया साहब आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, आई लव वेज। उनके व्यवहार के बारे में तो मुझे कुछ नहीं बोलना, वे छोटे से छोटे आदमी को भी ऊंचा दर्जा देते हैं। अगर सेट पर 10 मिनट भी देर होती तो आकर अपने को स्टार, लाइट मैन, कैमरा मैन सब को सॉरी बोलते। हम लाल बादशाह की शूटिंग जयपुर में कर रहे थे, उन दिनों चीफ मिनिस्टर भैरो सिंह शेखावत ने आकर अमिताभ को अपने हाथों से साइनिंग अमाउंट दिया था। वहां जब बिल्डिंग के छतों पर चढ़कर लोग अमिताभ को देखने आ गए तो कमिश्नर ने रिक्वेस्ट की, सर बिल्डिंग बहुत कमजोर है, बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी। इसके बाद अमित जी ने सहर्ष शूटिंग टाल दी। बच्चन साहब 50 सालों से स्टार बने हुए हैं और वर्तमान दशक में भी वे स्टार हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बतौर क्रिएटिव पीपल उन्होंने हमेशा खुद को चैलेंज किया है। एक किस्म की मासूमियत आज भी बरकरार है उनमें। पीकू में वे जिस किरदार में थे, उस तरह के बुजुर्ग मेरे परिवार में बहुत रह चुके हैं। खुद अमिताभ सर भी बंगाल में रह चुके हैं तो उन्हें उस किरदार का सुर पता था। उस लोको डिक्शन भी पकड़ने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई। ज्यादातर बड़े स्टार्स अपन रोल्स की इमेज के कैदी होकर रह जाते हैं। बच्चन साहब ने कभी खुद को उसका कैदी नहीं होने दिया। मेरी फिल्मों पिंक, पीकू में भी उन्होंने अपने पिछली ब्रांड इमेज को दर्शाया। अब गुलाबो सिताबो में भी वे अलग ही अवतार में नजर आएंगे। हर दशक में वे स्टॉलवर्ट मेकर्स के साथ साथ नए मेकर्स के संग भी काम करते रहे। यह उनका इरादतन स्टेप रहा है कि उन्हें ऐसे यंग मेकर्स के साथ काम करते रहना है जो उन्हें अलग अलग अवतारों में पेश करता रहे। 5 मिनट की मीटिंग में उन्होंने पिंकू हाँ कर दिया था। उनके इस अप्रोच से हमारे जैसे डायरेक्टर्स को और कॉन्फिडेंस मिल जाता है। जब साक्षात महानायक ही एक एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं तो मेकर जान लगा देता है, उसका नतीजा इंक्रेडिबल फिल्मों के तौर पर आता है। मौजूदा दशक की बात करें तो उन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पर खेला।